गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माइंड एडुटेक। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग फिर से प्रोबेबिलिटी के थ्योरी वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, राइट? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है क्या? टाइप्स ऑफ इवेंट। बच्चों, टाइप्स ऑफ इवेंट में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि इवेंट के कुछ टाइप्स हैं, उन सबको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग बोले थे कि इवेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखे थे, राइट ना? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ इवेंट क्या है। टाइप्स ऑफ इवेंट में आपका जो पहला है, फर्स्ट टाइप, वो आपको पढ़ना है क्या? सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। ओके बच्चों, क्या है फर्स्ट में आपका? सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। ये वाला जो पार्ट है वो आपका एक्चुअल में 11th क्लास का पार्ट है, तो थोड़ा डिस्कशन करना पड़ता है। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे आएंगे, जो हमारा क्लास 12 से स्टार्ट हो जाएगा। तो एक दो वीडियो आपको देखना होगा जिससे आपको बेसिक आइडिया प्रोबेबिलिटी का मिल जाए, राइट? तो चलिए देखते हैं क्या सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है ना? एन इवेंट, इवेंट का मतलब घटना होता है बच्चों। एन इवेंट इज सेड टू बी सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट इफ इट इज सिंगलटन सेट ऑफ सैंपल स्पेस एस, राइट बच्चों? क्या बोला जा रहा है? कोई इवेंट को, किसी इवेंट को हम लोग क्या कहेंगे? किसी इवेंट को सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट कब कहेंगे? जब वो सैंपल स्पेस से एक सिंगलटन सबसेट, सैंपल स्पेस का एक जो है सिंगलटन सबसेट आप लिखे ना, है ना? सिंगलटन सेट मतलब हम लोग समझते हैं बच्चों जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। तो सिंपल स्पेस का एक सबसेट बनाए और वैसा सबसेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, तो ऐसे इवेंट को हम लोग क्या कहेंगे? आपका सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट, राइट? जिसमें आपका क्या सिंगलटन सेट बने, मतलब ऐसा सबसेट सिंपल स्पेस का बनाइए जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे इवेंट को क्या कहेंगे? सिंपल इवेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अगर हम लोग एक डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारा क्या है 1 2 3 4 5 6, ये पॉसिबल आउटकम्स है जिसे हम लोग सिंपल स्पेस बोलते हैं, राइट? तो अगर एक डाइस को हम लोग थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या है? पॉसिबल आउटकम्स है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल स्पेस कहते हैं, ठीक है? वही है क्या ई मान लेते हैं क्या? इवेंट ऑफ गेटिंग थ्री, तीन आने का इवेंट, तो थ्री आना बच्चों क्या होगा? ये सिर्फ और सिर्फ एक थ्री एस एक ही एलिमेंट है यहाँ पे, तो ये जो ई कहा जाएगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल इवेंट कहेंगे। इस ई को क्या कहेंगे? सिंपल इवेंट कहेंगे, क्योंकि ये जो इवेंट बना है इसमें एलिमेंट कितना है? इस सेट में एक एलिमेंट है, तो अगर ये सिंगलटन सेट हो गया तो अगर एक एलिमेंट है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल इवेंट कहेंगे, राइट? उसी तरीके से अगर आप बोल दें बच्चों सिक्स आना, एफ अगर हम लोग मान लेते हैं इवेंट ऑफ गेटिंग सिक्स, छः आना, तो छः जो है बच्चों वो भी एक ही एलिमेंट है, तो एफ में भी एक एलिमेंट आया वो सिक्स, इसे भी हम लोग क्या कहेंगे? इस एफ को क्या कहा जाएगा? ये एक सिंपल इवेंट है, राइट? तो सिंपल इवेंट का मतलब सबसेट सिंपल स्पेस एस का ऐसा सबसेट बनाना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल इवेंट कहेंगे। ओके, आप इसे नोट करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट जो है अगला देखते हैं, मिक्स्ड इवेंट और कंपाउंड इवेंट, ठीक है? इसे रेस करते हैं बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे क्या
ठीक है बच्चों, क्या होगा हमारा दूसरा? मिक्स्ड इवेंट और क्या? कंपाउंड इवेंट। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या होगा? मिक्स्ड इवेंट और कंपाउंड इवेंट। ठीक है, देखिए क्या होगा, अ सबसेट E of a sample space S is said to be compound or mix, है ना, mixed event if E contain मोर देन वन एलिमेंट। बच्चों अगर एक एलिमेंट हो जाए तो आप उसे सिंपल इवेंट कहते हैं या एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा इवेंट हो जाए, क्योंकि इवेंट क्या होता है, इवेंट होता है सिंपल स्पेस का सबसेट। तो अगर मान लीजिए कि एक सबसेट ई है, किसका? सिंपल स्पेस एस का, तो मतलब ई एक इवेंट हो गया, है ना। ई जो है सबसेट है सिंपल स्पेसेस का। अब सिंपल स्पेस का जितना भी आप सबसेट बनाइएगा वो सारा का सारा क्या कहलाता है? हमारा इवेंट्स कहलाता है उस सिंपल स्पेस पे। तो हम लोग उसको कंपाउंड और मिक्स्ड इवेंट तब कहेंगे जब ई के पास एक से ज़्यादा एलिमेंट हो। जब ई के पास एक से ज़्यादा एलिमेंट हो तो उसे हम लोग मिक्स्ड या कंपाउंड इवेंट कहेंगे। जैसे कि अगर आप एक डाइस को थ्रो करते हैं बच्चों, तो आपका सिंपल स्पेस क्या हो जाता है? अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। अगर एक डाइस को थ्रो करते हैं तो सिंपल स्पेस हमारा होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ई एक इवेंट मान लेते हैं, क्या? इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। क्या ऑड नंबर आना हम लोग क्या मान लिए बच्चों? ई। तो ऑड नंबर क्या है? तो ऑड नंबर है 1, 3 और 5। सिंपल स्पेस से देख के हम लोग इसको बाहर निकालिए, 1, 3, 5। तो ऑड नंबर का जो इवेंट है आप इसे क्या कहेंगे? मिक्स्ड इवेंट। क्या कहेंगे? मिक्स्ड इवेंट और कंपाउंड इवेंट, सही है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एलिमेंट नहीं है, 1, 2, 3 एलिमेंट। अगर एक हो जाता तो आप इसे एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं या सिंपल इवेंट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट एक से ज़्यादा है इसलिए हम लोग इसे एलिमेंट्री इवेंट नहीं कहेंगे, यहाँ पे मिक्स्ड या कंपाउंड इवेंट कहेंगे। जब सैंपल पॉइंट आपका मोर देन वन हो जाए, सैंपल पॉइंट में कितने हो जाए? एक से ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे इवेंट को आप क्या कहेंगे बच्चों? मिक्स्ड इवेंट या कंपाउंड इवेंट कहेंगे। ओके, नोट करिए, इरेज करते ऐसे। आगे देखते हैं क्या थर्ड में। इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है बच्चों, असंभव घंटा घटना, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? असंभव घटना, राइट ना। चलिए देखते हैं क्या होता है इम्पॉसिबल इवेंट। An event E on a sample space S is said to be impossible event, ठीक है बच्चों, किसी event E को sample space S पर हम लोग impossible event कहेंगे। If and only if, इसका मतलब होता है आई डबल एफ का मतलब if and only if E is an empty set। E क्या हो जाए बच्चों? empty set हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो है E आपका impossible event है। मतलब E में कोई भी element नहीं मिले, E में आपका कोई भी element नहीं मिले तो हम लोग event E को क्या कहेंगे?
इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे, राइट। जैसे हम लोग वेन थ्रोइंग अ डाइस सिंगल टाइम, है ना, तो अगर एक पासे को हम लोग एक बार फेंकते हैं तो सिंपल स्पेस आपका 1 2 3 4 5 6 होता है स्टूडेंट। सिंपल स्पेस क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, ओके। लेकिन वही हम लोग ई निकाल लेते हैं, ई कैसा इवेंट मानते हैं? इवेंट ऑफ गेटिंग 7, 7 आने की प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों सिंपल स्पेस में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 7 है, राइट, क्योंकि डाइस को थ्रो करने पे डाइस में तो 6 ही तक नंबर होता है, 7 तो आ नहीं सकता है। तो जो हम लोग इवेंट ई डिस्क्राइब करें हैं 7 आने का, तो वहाँ पे कोई भी सेट आपको नहीं मिलेगा। कोई भी सेट तो मिलेगा लेकिन कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं मिलेगा, तो ये हो गया 5। और जब इवेंट ई में कोई भी एलिमेंट ना मिले तो ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं हम लोग? इम्पॉसिबल इवेंट। ओके बच्चों, ये क्या हो गया हमारा? इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। क्या 7 आना, 8 आना, मतलब ऐसे असंभव, ऐसे घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? असंभव घटना, जो सिंपल स्पेस में हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसा एलिमेंट आपको सोच लेना है जो सिंपल स्पेस में है ही नहीं। तो जब आप इवेंट डिस्क्राइब करिएगा तो वहाँ पे आपको एक एम्प्टी सेट मिल जाएगा, और एम्प्टी सेट मिल जाएगा जिसके कारण ई जो हो जाएगा वो 5, मतलब एक इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, राइट। नोट करिए इसे आप। फिर हम लोग नेक्स्ट अगला देखते हैं क्या? श्योर इवेंट। ओके, क्या देखेंगे? श्योर इवेंट। चलिए देखते हैं श्योर इवेंट क्या होता है। श्योर इवेंट बच्चों पिछला वाला में आप एक लिख लीजिएगा नोट में, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखेंगे क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट की सॉरी इम्पॉसिबल इवेंट पिछला बार लिखा है था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी होता है 0, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 0। आगे देखेंगे प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का कैसे निकालते हैं, तब हम लोग आगे फिर डिस्कस करेंगे। बट अभी आपको याद रखना है कि सर अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 0, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा क्वेश्चन आता है। श्योर इवेंट क्या होता है वो देखिएगा। An event E is said to be sure event. An event E is said to be sure event if on sample space S. ठीक है बच्चों, किसी event E को हम लोग श्योर इवेंट कब कहेंगे? सिंपल स्पेस एस पे, इफ एंड ओनली इफ ई इज कंप्लीट सैंपल स्पेस। बच्चों ई जो है पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाए तो हम लोग ऐसे इवेंट को क्या कहेंगे? श्योर इवेंट। जैसे आप एक सिक्के को टॉस करते हैं तो सिक्के को टॉस करने पे हेड या टेल आएगा, क्या आएगा? हेड या टेल आएगा। तो सैंपल स्पेस में आपको मिलेगा एच और टी। अब अगर हम एक इवेंट डिस्क्राइब कर दे कि एक इवेंट ऑफ गेटिंग हेड और टेल, तो फिर पूरा का पूरा वो एच और टी वो भी हो जाएगा, तो पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो ये ऐसे इवेंट को हम लोग क्या कहेंगे? श्योर इवेंट। मतलब इवेंट पूरा सैंपल स्पेस के सेट के बराबर हो जाए, इवेंट जो है आपका पूरा सैंपल स्पेस के सेट के बराबर हो जाए तो ऐसे इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं? आपका श्योर इवेंट, ठीक है। देख लीजिएगा, ऑन टॉसिंग अ कॉइन, है ना, इस बराबर क्या होता है? सिंपल स्पेस हेड कॉमा टेल। सिक्के को टॉस करने पे हेड और टेल आता है, बाकी पीडीएफ में इसको पूरा हम लोग लिखे हुए हैं, ठीक है। किसी सिक्के को टॉस करने पे क्या आपको मिलता है? हेड और टेल। और हम लोग ई मान लेते हैं इवेंट, इस सिंपल स्पेस एस में क्या
इवेंट ऑफ गेटिंग हेड और टेल। तो हेड और टेल दोनों बात कर रही हैं बच्चों, तो हेड और टेल पूरा सिंपल स्पेस बन गया, तो ई जो है पूरा का पूरा एस बन जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, ई को क्या कहते हैं बच्चों, सियोर इवेंट। कि ये तो पूरा सियोर ही आप पूरा का पूरा बात कर रही हैं, तो जो भी होता है वो सिंपल स्पेस से ही होता है, और सिंपल स्पेस के बराबर मतलब पूरा सिंपल स्पेस होने की प्रायोरिटी आप पूछ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो सियोर इवेंट हो जाएगा, राइट। तो ये आप इसे नोट करिए, और एक नोट हम लोग लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सियोर इवेंट इज 1। ओके बच्चों, क्या लिखना है नोट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, सियोर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है, जबकि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होता है बच्चों, 0 होता है, राइट ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला पार्ट, अगले टाइप को देखते हैं बच्चों। ये 4 नंबर हुआ है ना, अगला हम लोग 5 देख लेते हैं। डिसजॉइंट इवेंट और डिसजॉइंट इवेंट और आपका है क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, राइट। क्या है आपका, डिसजॉइंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो देखिए बच्चों, डिसजॉइंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्या होता है ये हमारा। टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट। टू और मोर इवेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट, है ना, इफ वन ऑफ देम इज अकर्स then other cannot be। देखिए बच्चों, दो इवेंट या दो से अधिक इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट इवेंट कब कहेंगे, जब दो इवेंट में से कोई अगर एक इवेंट हो जाए तो फिर दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाए। मतलब दो इवेंट दोनों कभी भी एक साथ नहीं होगा, अगर एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, अगर दूसरा होता है तो पहला नहीं होगा, राइट। दोनों इवेंट एक साथ कभी नहीं हो सकते, ठीक है, अगर एक इवेंट होता है तो दूसरा कभी नहीं हो सकता, और दूसरा होगा तो पहला कभी नहीं हो सकता, तो ऐसे दोनों इवेंट को हम लोग बोलते हैं कि ये इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है आपका। देखिए कैसे, एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, केस बराबर हमारा क्या ले लिए हम लोग, सिंपल स्पेस ले लिए, है ना। सिंपल स्पेस क्या लिए हैं कि जब एक डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही सब आ सकता है। जब एक डाइस को थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम हमारा क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम लोग एक इवेंट मान लेते हैं क्या, ई, ठीक है, ई बराबर क्या, इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर, और एफ क्या माने हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। अब आप देखिए बच्चों, दो इवेंट लिए हैं, इवन नंबर क्या है, 1, 2, इवन नंबर है आपका 2, 4, 6, ठीक है, इवन नंबर क्या है आपका 2, 4, 6, और ऑड नंबर क्या है 1, 3, 5। अब आप देखिए, कोई भी इन दोनों में एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन है, नहीं है, तो मगर अगर इवन नंबर आएगा तो ऑड नहीं आ सकता, अगर ऑड नंबर होगा तो इवन नंबर कभी नहीं होगा,
तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर ई होगा इवेंट तो एफ नहीं होगा, और अगर एफ इवेंट होगा तो ई नहीं होगा। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि ई एंड एफ आर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ई और एफ क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि ई और इंटरसेक्शन एफ में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो दो इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो दोनों में इंटरसेक्शन पार्ट क्या होगा? एम्प्टी सेट आएगा, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, राइट? तो ये हमारा हो गया क्या? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ई और एफ। बच्चों इसी में अगर आप देख लीजिए कि हम लोग ई को कर देते हैं इवेंट ऑफ गेटिंग, इवेंट के जगह पे प्राइम नंबर, प्राइम का मतलब अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 2 है, 3 है, 5 है ना, तो क्या हो जाएगा 2, 3, 5, और ऑड नंबर वही रहने देते। तो अब देखिए आप ई और एफ में जो है आपका तीन जो है, अगर 3 आ गया तो दोनों इवेंट एक साथ हो जाएगा। अगर आप डाइस को थ्रो करते हैं और एक इवेंट ई बोले कि प्राइम नंबर आने का और एफ बोले हैं ऑड नंबर आने का, तो अगर यहाँ पे 3 आ गया तो 3 आ जाने का मतलब प्राइम नंबर भी आ गया और आपका ऑड नंबर भी आ गया। तो 3 आ गया तो दोनों इवेंट, दोनों घटना एक साथ घट गया, ई और एफ दोनों एक साथ हो गया, ठीक है? मतलब प्राइम भी आ गया है और ऑड नंबर भी आ गया। तो ऐसे इवेंट को ई और एफ को नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे, क्योंकि ई और एफ में एक नंबर कॉमन आ गया, वो है क्या? 3, ठीक है? वही है बात कि अगर ई होगा तो एफ नहीं होता, अगर एफ इवेंट होगा तो ई नहीं होगा। ऐसे इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट। याद रखिएगा जब भी दो इवेंट डिसजॉइंट है तो उसका इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है? 0 होता है। और उसकी प्रोबेबिलिटी भी बच्चों क्या होता है? 0 होता है। अगला हम लोगों को देखना है बच्चों आपका ये आपका 4 के बाद 5 नंबर हुआ था ना, ये हमारा 6 हो जाएगा। 6 में हम लोग देखेंगे क्या? कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट, ठीक है बच्चों? किसी इवेंट का कंप्लीमेंट क्या होता है हम लोग इसे देखेंगे। तो लेट ई बी आर एन इवेंट एसोसिएटेड विथ अ सैंपल स्पेस एस, ठीक है? ई कोई इवेंट है जो सैंपल स्पेस एस में हो रहा है बच्चों। तो देन ई इज ई डैश इज सेड to be complement of event E, right बच्चों? E dash भी बोलते हैं, या उसे आप क्या समझिएगा? E dash या ऐसे E not, ठीक है? Event E का complement कहेंगे, and it is defined as इस तरीके से हम लोग इसे डिफाइन करेंगे, वो देखिएगा। दोज एलिमेंट ऑफ एस विच नॉट इन ई, राइट बच्चों? मतलब सपोज दैट हम लोग अगर ई ले लेते हैं कि इवेंट एस, एक सिंपल स्पेस ले लेते हैं आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? और एक इवेंट हम लोग ई ले लेते हैं बच्चों 1, 2, 3, ये हमारा ई हो गया। तो अगर आपको इसका कंप्लीमेंट लिखना है तो कंप्लीमेंट का मतलब क्या? डैश से दिखाएंगे या फिर आप इसको ऐसे भी दिखाएंगे ई नॉट। ई नॉट का मतलब बच्चों क्या? वो एलिमेंट एस का जो ई में नहीं है। तो 1, 2, 3 तो ई में आ गया, तो इसलिए 1, 2, 3 इसका कंप्लीमेंट में नहीं पाया जाएगा।
कौन कौन आएगा, 4, 5 और 6, ठीक है। 4, 5 और 6 को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट, ठीक है। इसे ये जो आया 4, 5, 6 इस इवेंट ई में नहीं है, तो ई का कंप्लीमेंट क्या हो गया, ई डैश, और ई डैश में कौन आएगा बच्चों, 4, 5, 6, राइट। तो ई डैश निकालने का तरीका क्या होता है, इसमें आप ई को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। मतलब ई डैश और प्लस ई जब हम लोग कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सैम्पल स्पेस क्रिएट हो जाएगा पूरा, ओके। ई और ई डैश किसी इवेंट और उसके कंप्लीमेंट को हम लोग जब ऐड कर देंगे तो पूरा सैम्पल स्पेस आपका बन जाएगा, ओके बच्चों, इसे नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं, सिक्स के बाद 7 नंबर बच्चों, एग्जॉस्टिव इवेंट, लेट ई एंड एफ बी टू इवेंट्स, एसोसिएटेड विथ सैंपल स्पेस एस। बच्चों ई और एफ दो इवेंट है जो सैंपल स्पेस एस में हो रहा है, देन ई एंड एफ आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स इफ एंड ओनली इफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। बच्चों दो इवेंट का अगर यूनियन या दो से अधिक इवेंट का यूनियन पूरा सिंपल स्पेस क्रिएट कर दे तो हम लोग वैसे इवेंट्स को एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहेंगे, राइट। दो या दो से अधिक इवेंट को एग्जॉस्टिव इवेंट तब कहेंगे जब उसके यूनियन से पूरा सिंपल स्पेस तैयार हो जाए। जैसे एग्जांपल, इस अगर डाइस को थ्रो करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ई हम लोग एक इवेंट मान लेते हैं, इवेंट नंबर आने का है तो इवेंट नंबर है 2, 4, 6, एंड एफ हम लोग एक इवेंट मान लेते हैं ऑड नंबर आने का 1, 3, 5। तो बच्चों जब आप ई और यूनियन एफ करिएगा तो ई और एफ का यूनियन करने पे क्या आ जाएगा, 1, 3, 5, 2, 4, 6। तो आप देखिए जब यूनियन का मतलब दोनों का एलिमेंट मिला देंगे तो पूरा का पूरा ये सिंपल स्पेस तैयार हो जाएगा। तो इवेंट नंबर एंड ऑड नंबर जो है दोनों को एग्जॉस्टिव इवेंट कहेंगे, क्योंकि दोनों का यूनियन से आपका क्या हो जा रहा, सिंपल स्पेस हो जा रहा, ठीक है। एक इवेंट हम लोग E1 बोलते हैं 1 आने का, E2 बोलते हैं 2 आने का, E3 बोलते हैं 3 आने का, E4 बोलते 4 आने का, E5 आने का, और E6 आने का इवेंट्स है। तो सबका यूनियन कर देंगे तो पूरा सिंपल स्पेस बन जाएगा। तो अगर इवेंट्स का यूनियन कर देने से पूरा सिंपल स्पेस आप क्रिएट कर दे रहे हैं तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ इवेंट खत्म हुआ, अगले वीडियो में फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में आते हैं, उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर को एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।